लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। वंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस चौपाल के माध्यम से हमारे मुंबई में बसने वाले और तीन तीन पीढ़ियों से बसने वाले उत्तर भारत से आए हुए और अब अपने आप को जो मुंबईकर कहते हैं, ऐसे हमारे सभी उत्तर भारतीय बहनों और भाइयों के साथ इस चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये चौपाल का कार्यक्रम, वैसे तो 1000 चौपाल हम जो करने वाले हैं उसकी शुरुआत है, और आज मंच पर बैठे हुए लोग जैसे दमदार हैं, वैसे सामने बैठे हुए भी सारे दमदार लोग ही इस चौपाल में आए हुए हैं, जो अपने आप में उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे ही लोगों को हमने आज यहाँ पर निमंत्रित किया है, पर आने वाले दिनों में समाज में जाकर मुंबई के हर विभाग में 1000 चौपालों के माध्यम से बसने वाले हमारे लाखों लाखों भाइयों बहनों तक हम पहुँचने की कोशिश करने वाले हैं और समाज का संगठन करने की हम कोशिश करने वाले हैं। और ये संगठन किस लिए? ये संगठन केवल राज्य परिवर्तन के लिए नहीं है, केवल हमको मुंबई में महानगर पालिका पर कब्जा करना इसलिए नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये मानती है कि हमें राज्य का परिवर्तन नहीं, हमें समाज का परिवर्तन करना है और समाज के हर व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए, उसके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। हमारे शीर्षस्थ नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाओं को चलाया, न जाति को देखा, न धर्म को देखा, न भाषा को देखा, न प्रांत को देखा, केवल व्यक्ति को देखा, और केवल हर गरीब को सुविधाएं मिलनी चाहिए। देश का विकास तभी होगा जब गरीबों का विकास होगा, इस बात को प्रतिपादित करते हुए जिस प्रकार से इस देश में आदरणीय मोदी जी ने गरीब कल्याण का एजेंडा चलाया, आज पूरा देश मोदी जी के साथ है। और विशेष रूप से उत्तर भारत से आने वाले जो लोग आज यहां पर हैं, उन सभी राज्यों में जिस प्रकार से मोदी जी के लिए प्यार, जिस प्रकार का स्नेह मुझे दिखाई पड़ता है, लेकिन मैं सच बात कहता हूं और मैं हमेशा यह कहता हूं कि आप देश के किसी भी राज्य में मोदी जी का रेटिंग कर लीजिए और मुंबई में मोदी जी का रेटिंग करिए, देश के किसी भी राज्य से ज्यादा मोदी जी पर प्रेम करने वाले लोग इस मुंबई में। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि संगठन अगर हम मजबूत करेंगे तो आज एक परिवर्तन इस मुंबई में जो हम लाना चाहते हैं, उस परिवर्तन को हम निश्चित रूप से लाकर रहेंगे। पवन जी, आपने एक अच्छी बात कही कि हमको जाति से, धर्म से उठकर हमको एक मजबूत संगठन तैयार करना है जैसा हमारा शरीर है, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमको हमारी परिभाषाएं भी बदलनी पड़ेगी। अब कोई शूद्र नहीं है, जो मानवता का विरोधी है वो शूद्र है, और जिनको कभी हमने शूद्र कहा उनका हमारे शरीर में स्थान दिल में है, अब वो दिल में बसते हैं, और इसलिए ये परिभाषाएं भी बदलनी पड़ेगी। शरीर जरूर है, लेकिन इस शरीर में कोई भी इस प्रकार की बात जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं वो नहीं हो सकता, और इसलिए सबको साथ में लेकर एक ऐसा मजबूत शरीर हम बनाना चाहते हैं कि जो शरीर हमारे परिवर्तन का शरीर बनेगा, परिवर्तन का शरीर। आज जिस प्रकार से मुंबई की अवस्था हम लोग देखते हैं, महाराष्ट्र की अवस्था हम लोग देखते हैं,
मुंबई का विकास पूरे तरीके से रुका हुआ है। जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किए आज उसके उद्घाटन करते तो हमको मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री नजर आते हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को गति देने में उनकी कोई रुचि नजर नहीं आती। आज हम सारे लोग ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से यहां तक आए और इस पर जिस समय मेट्रो का काम हमने शुरू किया था किस गति के साथ काम हुआ आपने देखा, और पिछले 15 महीनों में क्या उसमें कोई भी बढ़ोतरी हुई है? 5% भी बढ़ोतरी हमको दिखाई नहीं पड़ी। हमारी अंडरग्राउंड मेट्रो जो इसी साल हमको मिलती, इसी साल साल के अंत में, अब अगले 5 साल तक उस मेट्रो का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आरए की जगह जो सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो के लिए आवंटित की थी और सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया था कि इसमें कोई प्रदूषण नहीं है, उल्टा इस मेट्रो के कारण पूरा प्रदूषण समाप्त हो जाएगा, और यहां तक मान्य हुआ था कि जो पेड़ कटे वो पेड़ अपने पूरे जीवन में जितना प्राणवायु ऑक्सीजन देते उतना तो कार्बन सिक्वेस्टेशन ये मेट्रो केवल 80 दिनों में कर सकती है। इतना स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बावजूद आरे की जमीन रोक दी गई, और अब कांजूर मार्ग में हम करेंगे जहां पर प्राइवेट आदमी भी उस पर दावा बताता है और उसके लिए 2-4 हजार करोड़ रुपया देने को सरकार तैयार है, लेकिन हमारी आरे की जमीन पर जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी और जहां पर 200 करोड़ रुपया खर्चा हो गया वहां पर मेट्रो करने के लिए सरकार तैयार नहीं। ये विडंबना है, ये मुंबई के साथ धोखा है, ये मुंबई के साथ छलावा है। मुंबई करों को मेट्रो से महरूम रखने का, दूर रखने का, वंचित रखने का एक षड्यंत्र आज इस सरकार के माध्यम से हमको दिखाई पड़ता है। आज इतने अलग अलग प्रकार के प्रकल्प हमने शुरू किए, मुंबई के लिए नया एयरपोर्ट हो, मुंबई के लिए ट्रांस हार्बर लिंक हो, मुंबई के लिए कोस्टल रोड जो बन रहा है इसकी सारी मान्यताएं मोदी जी की सरकार से हमने लाई। आज मुंबई के लिए केवल इतना ही नहीं तो मुंबई में जो हमारे लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहने वालों को 2001-2002 के बाद उनको अवैध माना जाता था, हमारी सरकार ने कानून करके कहा कि जनगणना 2011 में हुई है और इसलिए 2011 तक के झोपड़पट्टी में रहने वाले सारे लोग ये वैध है और उनको घर मिलना चाहिए, उनको मकान मिलना चाहिए। देखिए ये इतने झूठे लोग हैं। हमने कहा सबको 300 स्क्वायर फुट का मकान देंगे तो राहुल गांधी आए और कहा 500 फुट का मकान देंगे। अरे अभी सरकार आ गई, 300 फुट का ही मकान किसी को नहीं मिलता, और वो एसआरएम में सबने मिलकर उनको बताया कि आपके नेता को किसने बताया 500 फुट का तो मकान दिया ही नहीं जा सकता, एसआरएम की स्कीम ही बंद हो जाएगी। और 500 फुट का मकान देना है तो हमारे आशीष शेलार जी ने पूरी गिनती की तो ध्यान में आया मुंबई में तो जगह नहीं है, हमको समुंदर बुझा बुझा के उसमें भराव डाल डाल के उसमें हमको वो मकान बनाना पड़ेगा, तब जाकर झोपड़पट्टी वासियों को हम घर दे पाएंगे। तो ऐसे निर्णय जो हो ही नहीं सकते, लेकिन ऐसे निर्णय लेकर मिलने वाले मकानों को रोककर झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी जिंदगी भर झोपड़पट्टी में ही रहे, इस प्रकार का षड्यंत्र इस सरकार ने किया। हम लोगों ने एयरपोर्ट के आसपास के झोपड़पट्टी वालों को उनके घर की चाबियां देना शुरू किया, वो चाबियां भी वापस ले ली, वो घर से भी उनको वंचित कर दिया और उनको वहीं पर 50,000 मकान बनाने का निर्णय हमने जो लिया था उस निर्णय को भी स्थगित करने का काम इस सरकार के माध्यम से हुआ। कुल मिलाकर मुंबई का गरीब हो, मुंबई का मध्यम वर्गीय हो, मुंबई का व्यापारी हो या मुंबई में नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, किसी की भी सुविधा इस सरकार ने नहीं देखी। ये सरकार केवल अपनी सुविधा देखती है और ये सरकार केवल अपनी जेबें भरती है। और आज इस सरकार में एक ही चीज चल रही है, एक ही इंडस्ट्री चल रही है, ट्रांसफर और पोस्टिंग की इंडस्ट्री। और सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, ये सरकार सिंडिकेट की तरह काम कर रही है, सिंडिकेट की तरह। जिस प्रकार से पुलिस के अधिकारी स्वयं
बॉम्ब की गाड़ी रखवाते हैं, जिस प्रकार से पुलिस के अधिकारी आज हत्या में लिप्त हमको नजर आते हैं, कौन सी बात आप कर रहे हैं? अरे ऐसे अधिकारियों को लाने वाले कौन है, उनको शह देने वाले कौन है, उनको सुरक्षा देने वाले कौन है, उनको आशीर्वाद देने वाले कौन है? इसका भी अब जवाब ये सरकार को, उद्धव जी आपको देना पड़ेगा, और ये जवाब जनता बार बार मांगेगी। और इसी के चलते आज जिस प्रकार की लचर कानून व्यवस्था हमको दिखाई पड़ती है, जिस प्रकार का एक्सटॉर्शन हमको दिखाई पड़ता है, यहाँ पर किसका राज है मुझे पता नहीं, पर हम लोग ये सुनते थे कि एक सिंडिकेट का राज होता है, जो सिंडिकेट केवल पैसा वसूल करने के लिए एक अपना पैरेलल राज चलाती है, वैसा राज इस मुंबई में कायम करने की कोशिश इस सरकार के कुछ नुमाइंदे कर रहे हैं, और उसका पूरा आशीर्वाद इस सरकार का है जिसके खिलाफ आज हमने लड़ाई छेड़ी है। ये केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये मुंबई करो के अस्तित्व की लड़ाई है, ये मुंबई करो के लिए और उनके जीने की राह आसान हो, इसके लिए ये लड़ाई हमने छेड़ी है। ये तो शुरुआत आज इस चौपाल के माध्यम से हमने की है, लेकिन एक एक व्यक्ति को हम जागरूक करेंगे, एक एक व्यक्ति के मन में हम लोग उसकी संकल्पनाओं को कौन पूरा कर सकता है इसके बारे में जागृति तैयार करेंगे। उसके सामने देश के विकास का जो रोड मैप आदरणीय मोदी जी ने तैयार किया है, उस रोड मैप को हम उसके सामने लाएंगे, और उसके माध्यम से आने वाले दिनों में मुंबई में भी परिवर्तन होगा। ये जो मुंबई की महानगर पालिका भ्रष्टाचार से भरी हुई है, भ्रष्टाचार ये इसके नस नस में भरा हुआ है, और जिस प्रकार से उसको चलाने वाले भ्रष्ट लोग मुंबई को नोच नोच कर खा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब मुंबई को जगाना होगा और इनकी चंगुल से इस महानगर पालिका को बाहर निकालना पड़ेगा। अब तो जिस प्रकार के काम यहाँ चल रहे हैं, हमारा ध्यान उसकी ओर है, किस प्रकार से नए नए टेंडर निकालकर हजारों करोड़ रुपया चुनाव से पहले पूरा का पूरा मुंबई महानगर पालिका का खाली कर देना, उसके खजाने को खाली कर देना, उसके एक एक पैसे के ऊपर डाका डालना, इस प्रकार की जो व्यवस्था आज हमको महानगर पालिका में दिखाई पड़ती है, एसटीपी जैसे टेंडर के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस मुंबई की महानगर पालिका में होने जा रहा है, पर हम होने नहीं देंगे, हम लड़ेंगे, ये जनता का पैसा है। अरे एसटीपी की मान्यता हमने लाई थी, मुझे पता है एसटीपी के लिए कहीं पर भी हमारे यहाँ स्टैंडर्ड्स नहीं थे, मैं 1.5 साल केंद्र सरकार के साथ झगड़ता रहा और आखिर मोदी जी ने मेरी बात को सुना और पहली बार एसटीपी के स्टैंडर्ड्स तय हुए, लेकिन इसके लिए हमने स्टैंडर्ड तय नहीं किए थे कि ये लोग इसके माध्यम से हजारों करोड़ का घपला करे, जो काम मात्र चंद रुपयों में हो सकता है उसको 3 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ा बढ़ा कर, जो पैसा गरीब का पैसा है, जो हमारे झोपड़पट्टी में लगना चाहिए उनको पानी देने के लिए, उनको सेवाएं देने के लिए, उनको लाइट देने के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, ये पैसा अगर ये लोग जेब में डालने की कोशिश करेंगे तो सड़क से लेकर तो न्यायालय तक हर जगह हम संघर्ष करेंगे, लेकिन मुंबई करो के पैसे पर हम डाका नहीं डालने देंगे, ये संकल्प भी हमने यहां पर किया है। और इसलिए दोस्तों आज इस चौपाल की शुरुआत हुई है, मैं सारे विषय आज रखना नहीं चाहता, लेकिन हम सबको जागरूक होना है। और मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि जो कभी हमारे दोस्त हुआ करते हैं थे, कैसे उन्होंने रंग बदल दिया, कैसे रंग बदल दिया, अब राम मंदिर के लिए समर्पण निधि भी उनको चुभता है, उनको ऐसे लगता है कि समाज के लोग आगे बढ़ बढ़ कर राम मंदिर को समर्पण निधि क्यों देते हैं। अरे जिनको रंगदारी टैक्स वसूल करने की आदत हो उनको समर्पण क्या होता है ये कभी पता नहीं चल सकता, लोग स्वयं सामने आ रहे और ये निर्णय हुआ, और मैं ऐसा मानता हूं कि निर्णय सबसे सही निर्णय है। अगर सरकार चाहती, अगर मोदी जी चाहते तो 2-4 हजार करोड़ रुपया केंद्र सरकार दे देती और प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनता, पर वो
वो सरकार का मंदिर होता, प्रभु श्री राम सरकार के नहीं है, वो समाज के है, समाज के एक एक व्यक्ति के है, और उस समाज के एक एक व्यक्ति से एक एक रुपया जमा करके अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार जब ये मंदिर बनेगा तो आसेतु हिमाचल प्रभु श्री राम को मानने वाले और सारे के सारे भारतीय और विश्व में बसने वाले सारे के सारे हिंदू ये पूरी शान के साथ ये कहेंगे कि ये मंदिर मेरा मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर को बनाते समय मैंने मेरे पसीने का एक रुपया भी दिया है, और इसलिए ये पैसा आज लोगों ने श्रद्धा से दिया। लेकिन उसके ऊपर भी कुछ लोगों को गलत बात नजर आई, कुछ लोगों के मन में चुभा, रंग बदलते हो पर इतना मत बदलो कि पूरा का पूरा तुम्हारा रंग बदल जाए और रंग बदलने वालों को कोई याद नहीं रखता। जीवन में संघर्ष करके जो अपना स्वत्व रखते हैं, जो अपना तत्व रखते हैं, उनको इतिहास याद रखता है, लेकिन इतिहास में जो रंग बदलते हैं, जो अपने सत्व को छोड़ते हैं, तत्व को छोड़ते हैं, जो देश के लिए कुर्बानी देने की बजाय जगह कुर्बानी देने वालों के ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण करते हैं, ऐसे लोगों को कोई याद नहीं करता। अरे इतने बदल गए तुम कि तुमको ये भी याद नहीं रहा कि चीन की सीमा पर हमारे सैनिकों ने शहादत देते हुए पहली बार ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया कि चीनियों को खदेड़ दिया। देश के इतिहास में, चीन के इतिहास में कई सालों के बाद यह परिस्थिति आई कि चीन ने भूभाग लेने की कोशिश की, लेकिन एक इंच भी हमारी जमीन हमारे वीर सिपाहियों के बलबूते पर चीन नहीं ले पाया। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं चीनियों को देखकर हम भागते हैं, अरे शर्म करो, हमारे सैनिकों के ऊपर इस प्रकार का लांछन लगाने की हिम्मत मत करो। अरे वो सैनिक है जो देश के लिए शहादत देते हैं, 20 साल का, 21 साल का, 22 साल का नौजवान मेरा सैनिक अपने लहू को निछावर करते हुए, अपने शरीर को निछावर करते हुए वहां पर जब अपना बलिदान देता है, और तुम यहां कहते हो चीनियों को देख कर भागते हैं, ये शर्मनाक बात है, ये शर्मसार करने वाली बात है, और इसलिए ये जो बदले हैं अब इनको ही बदलना पड़ेगा। और इसलिए इस चौपाल के माध्यम से एक अलख जगाना है, इस चौपाल के माध्यम से एक परिवर्तन की ज्योति जलानी है, इस चौपाल के माध्यम से एक ऐसा वातावरण तैयार करना है कि जिसके चलते फिर एक बार राष्ट्रीय विचारों के साथ हमारे असली हिंदुत्व को साथ में लेकर और गरीब कल्याण का एजेंडा लेकर बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प लेकर हम सारे के सारे लोग आगे बढ़ेंगे। उसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए, इतना ही निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।